chemical property is, if acid reacts with metal, it gives salt and hydrogen. यही सेम एप्लीकेशन, यही सेम इक्वेशन हमने देखी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी. तब अगर हम मेटल्स की बात कर रहे थे तो हम मेटल्स का नेचर देख रहे थे विद एसिड्स. अब हम बात कर रहे हैं एसिड्स की, तो एसिड्स का नेचर किसके साथ देख रहे हैं? मेटल्स के साथ. अब नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, एसिड को डाल, पहले एसिड और मेटल का रिएक्शन करा रहे थे, अब मेटल और एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं. अगर रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट्स भी कैसे आएंगे? सेम. तो आपने ये उस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मेटल की, जिंक की, जिंक अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो यहां पर है जिंक, उसने रिएक्ट किया HCl के साथ, कौन सी गैस निकाल दो? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन निकल गई. अब बचा क्या है? जिंक और क्लोराइड. अब जिंक और क्लोराइड का हम कौन सा फॉर्मूला लिखें? ये लिखें, ये लिखें, या कौन सा फॉर्मूला लिखें? वैसे आपने ये क्लास 9th में किया था, पर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला. इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. जिंक की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? Zn क्रॉस कर दो Cl2. तो यहां पर आप कुछ और नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ क्या लिखना है? ZnCl2 plus हाइड्रोजन. तो आपने देखा मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो सॉल्ट बन रहा है इसका फॉर्मूला क्या है? ZnCl2 plus हाइड्रोजन. और आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आई है. अगर बेस, बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन. और इसमें जो सॉल्ट बनता है इसका नेम होता है सोडियम जिंकेट. आप इसकी फॉर्मेशन हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे, अभी आपको लर्न करना है. फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, और इसका नेम क्या होता है? सोडियम जिंकेट. इसके बाद आपने ये तो देख लिया कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो रिलीज क्या होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन. हमने एसिड और बेस का रिएक्शन देखा है किसके साथ? मेटल के साथ. तो दोनों मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है. अब अगर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है तो हमें कैसे पता? कोई भी गैस फॉर्म हो रही है वो तो उड़ रही है, तो हमें कैसे पता कि कौन सी गैस फॉर्म हुई है? तो हर गैस के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं. हम क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे इस मिक्सचर के पास, और हम देखेंगे कि अगर वो बर्निंग कैंडल है तो वो बर्न कर जाएगी. इट बर्स्ट आउट विद अ पॉप साउंड. वो बर्न करती है किस साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ. तो ये हाइड्रोजन की एक टेस्ट होता है कि आप लेकर जाओ बर्निंग कैंडल को और वो पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस करेगी एक साउंड. तो हाइड्रोजन किसके साथ बर्न करती है? कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड. अगर आप लेकर गए और पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन. तो ये टेस्ट किसका होगा? हाइड्रोजन का. नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम एसिड की बात कर रहे हैं. एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो पक्का बनते हैं. अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट करती है? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. इसका हम एक रिएक्शन देख रहे हैं. एसिड है HCl, मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है? हमने मान लो मेटल ले लिया सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट होता है CO3. फॉर्मूला बनाओ, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, फॉर्मूला कितना बन गया? Na2CO3. इसीलिए मैंने यहां पर ये लिखा है Na2CO3. आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूले ऐसे नहीं बनते हैं, इसे प्रॉपर मेथड से बनाया जाता है. आप ये नहीं सोच सकते कि NaCO3 लिख दोगे तब भी ठीक होगा. Na2CO3 ही होता है. और जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें एक क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एक क्या निकालना है? वाटर. मैं आपको बना के दिखाती हूँ. HCl रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ. तो एक तो CO2 निकालना है, एक वाटर निकालना है. देखो C निकल चुका है, O निकल चुका है, और H भी निकल चुका है. अब बच्चे कौन से एलिमेंट्स हैं? ना ही Na आया और ना ही Cl आया. तो Na की भी वैलेंसी 1 और Cl की भी वैलेंसी 1. तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? NaCl. तो हमने देखा
एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्ट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और क्या रिलीज हो रहा है वॉटर। और अगर हम इसमें सेकेंड रिएक्शन की बात करें जो है मेटल विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम बात कर रहे हैं एसिड की विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या रिएक्शन होगा, एसिड अभी भी HCl है और अब क्या है NaHCO3 और इसमें से क्या निकल जाएगा CO2 और वाटर, तो CO भी निकल चुका है वाटर भी निकल चुका है अभी भी क्या बचा है NaCl। तो यही बनेगा एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसमें जो गैस निकल रही है आपको कैसे पता वो गैस CO2 है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जैसे हाइड्रोजन के लिए टेस्ट क्या था इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऐसे इसका टेस्ट क्या होगा, इसका टेस्ट होता है पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। आपने अभी फोर्थ चैप्टर में ये सब डिस्कस किया होगा कि तीन सब्सटेंसेस होते हैं अगर हम देखें तो एक होता है CaO, ये क्या होता है क्विक लाइम, नेक्स्ट इज CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है स्लेग लाइम और ये ड्राई होता है। अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं एक्वियस फॉर्म में डाल देते हैं तो इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। तो हमने क्या करना है इसकी टेस्ट में, इसको पास करना है, जैसे मान लो आपने इन दो चीजों को मिलाया इस बीकर में, इसमें HCl भी है और NaHCO3 भी है, आपने इन दोनों को ऐड किया तो अब इसमें से कोई गैस निकल रही होगी, उसको कनेक्ट कर दो एक बीकर से और उस बीकर में रखा हुआ है लाइम वाटर। अब अगर जो ये गैस हमने पास की है अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये रिएक्शन हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये लाइम वाटर होता है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हमेशा व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन की फॉर्म में, चॉक की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की तीन फॉर्म्स है जहां पर हमें मिलता है, मार्बल भी व्हाइट होता है, चॉक भी व्हाइट होता है, लाइमस्टोन भी व्हाइट होता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट किन तीन फॉर्म्स में मिलता है, इन तीन फॉर्म्स में मिलता है। अभी हम क्वेश्चन पे थे कि टेस्ट क्या होगा इसके लिए, तो टेस्ट होगा पास इट थ्रू लाइम वाटर, आपने लाइम वाटर से पास किया, लाइम वाटर से पास करते ही अगर इसका कलर मिल्की हो गया, मिल्कीनेस आ गई इस कलर में, तो डेफिनेटली गैस कौन सी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा तो गैस कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको इसमें रिएक्शन भी एग्जाम में जरूर लिख के आनी है, दिस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये तो है नहीं आपने पास कर दिया और इस रिएक्शन को भूल गए और चले गए थोड़ी देर के लिए बाहर, ऐसे नहीं करना। अगर आप इसको पास करते रहोगे बहुत देर के लिए अगर ये एक्सेस अमाउंट में पास होती रही तो इसमें रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा, होगा क्या पहले ये रिएक्शन हुआ था, अब अगर आप इस सब में CaCO3 और वाटर में, अब यही है ना यहाँ पर CaCO3 प्लस वाटर, इसमें अगर आप और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो तो इससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, वो होता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सब्सटेंस होता है ये सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल होता है और इसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। तो बेसिकली अगर आपके एग्जाम में टेस्ट आता है टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपको बोलना है पास इट थ्रू लाइम वाटर, इफ इट टर्न्स मिल्की देन डेफिनेटली द गैस प्रेजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है एग्जाम में इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इन एक्सेस, अगर इसी में हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वॉटर एंड द मिल्कीनेस डिसअपियर्स, स्टार्टिंग में मिल्कीनेस रहती है और मिल्कीनेस बाद में क्या हो जाती है डिसअपियर। तो ये हमने कुछ टेस्ट किए हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हमने हाइड्रोजन का टेस्ट देख लिया और इसका टेस्ट देख लिया और हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म्स देखी है जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन वर्ड न्यूट्रल वर्ड कब यूज करते हैं, अगर आपके पास एक नंबर है वो +10 और एक नंबर है वो -10 है तो ये एक दूसरे को क्या करने हैं नलीफाई कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही होगा, जब दो अलग प्रॉपर्टी की चीजें मिलकर एक के इफेक्ट को दूसरा किल कर देता है तो उसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसिस
react with each other to form salt and water. Acids और bases मिलते हैं, release क्या होता है, salt और water. जैसे हमने acid ली HCl और ये base के साथ react कर रहा है NaOH, क्या निकालना है, पानी, H2H निकाल दिया, दो H और O निकाल दिया, बचा क्या NaCl. तो NaCl क्या है, NaCl एक salt है, एक neutral salt है, और क्या release होगा, water. Neutralization reaction is a reaction in which acid and bases react to form salt and water. और आपको एक reaction तो जरूर learn करनी चाहिए of neutralization reaction. Next is, आपने class 9th में discuss किया होगा acid rain का phenomena, कि जो factories होती है वो nitrogen के oxides nitrogen release करती है और वो air में oxides बनते हैं. उसके बाद जब उनसे बारिश आती है तो जो वो rain होती है वो acidic rain होती है. acidic rain का मतलब है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब पानी में मिलते हैं तो वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स. अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं तो मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक. नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेटल ऑक्साइड है उसमें मैंने लिटमस पेपर लगाया तो क्या कलर हो जाएगा मेटल ऑक्साइड का. मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक और बेस लिटमस कलर में क्या शो करते हैं, ब्लू कलर. क्वेश्चन आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड है मेरे पास और उसमें मैंने लिटमस पेपर रखा तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक. अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो हैं एसिडिक. अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये एसिड है वो बेस है, फिर से क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वॉटर. मेटलिक ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक. अगर मैं मेटलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं तो बेस प्लस एसिड फिर से मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वॉटर. So this was about chemical properties.